हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं या टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान में जल्द ही न्यू टीचिंग पोस्ट आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, डोटासरा जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि राजस्थान के अंदर काफ़ी टीचिंग पोस्ट खाली हैं। तो उन्होंने राजस्थान के अंदर जो ये टीचिंग पोस्ट खाली हैं भरने की बात कही थी। और NCT का भी एक रूल है कि एक साल के अंदर आपको जो पात्रता परीक्षा है वो करानी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पहले RTET की परीक्षा होती थी, लेकिन BJP गवर्नमेंट ने इसे रीड कर दिया, मतलब कॉमन एक टेस्ट कर दिया। इसके बाद सीधा सिलेक्शन होता था। तो 2017 के बाद कोई रीट की परीक्षा अभी नहीं हुई है। तो अभी जो विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया था कि न्यू टीचिंग पोस्ट आनी चाहिए, तो अभी देखते हैं कि कितनी टीचिंग पोस्ट आ सकती हैं। लगभग 25 से 26 हजार की टीचिंग पोस्ट का माना जा रहा है कि इतनी टीचिंग पोस्ट आ सकती हैं, क्योंकि इतने जो वैकेंसीज हैं वहाँ पे राजस्थान के अंदर इतनी वैकेंसीज खाली हैं। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो जो भी वेट कर रहे हैं इन वैकेंसीज़ का, उम्मीद यही है कि जल्दी ही ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो साथियों, अगर आप इस टाइप की और न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी आगे की अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।